150 मांग रहे थे वो, 150 मांग हम बोले तो 130 दिए। स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है और अंकल के लिए देखिए किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इनको भी ट्रे मिलना, कितना प्यारा लग रहा है। हेलो, सही लग रहा है। थाली आपने मंगवाया था ना, वो कितना लिया? 130 रुपया लिया। बिल नहीं दिया ना? बिल नहीं दिया। वेज मील 80 का, एक करी 90 का। भाई आपने देखा कैसे पर्दा के पीछे खेला हो गया, वही अगर हम थर्ड एसी में जर्नी करते ना। जी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना वेस्ट बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पे ये ट्रेन निकलती है और आपको अगले दिन शाम 4:50 पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 1660 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 14 हॉल्ट के साथ लगभग 25 घंटा 30 मिनट में। अभी टाइम हो रहा है 3:10 और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो इस ट्रेन में आज जो है हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है A2 कोच में, मतलब सेकेंड एसी में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सीट है 41। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोच में। तो भाई ये रही अपनी सीट 41 साइड लोअर, और लगेज वगैरह हमने नीचे डाल दिया है, बैग इधर है। और अच्छी बात है कि भाई इसमें बेडरोल वगैरह मिल रहा है। मुझे लगा कि LHB कोच होगी, लेकिन भाई साहब ये ICF कोच आई है आज। तो अपनी ट्रेन शालीमार रेलवे स्टेशन से 15 मिनट डिले निकली है। भाई इसके अंदर टॉवेल है, मुझे लगा भाई टॉवेल नहीं, किसी किसी में क्या होता है ना कि टॉवेल नहीं रहता, लेकिन इसमें है। चलो ठीक है, काफ़ी लंबी जर्नी है, सही रहेगा। कोच और क्लीनिंग रिलेटेड इशू के लिए आपको ट्वीट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, 139 पे भी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये सुपरवाइजर का नंबर है, आप डायरेक्ट यहाँ कॉल करके क्लीनिंग और कोच रिलेटेड इशू के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ये सही है, हर कोच में लगाया गया है। खाने की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे से समोसे के साथ। पहले दिन इस ट्रेन में आपको स्नैक्स में समोसा मिलेगा, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे हमने ट्राई किया भाई साहब, बहुत बढ़िया है, मसाला भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से फिल किया गया है, काफ़ी बढ़िया। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ये जो है ना आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे हम सोचे चाउमीन वगैरह भी मिलेगा, लेकिन भैया बता रहे थे कि पहला दिन चाउमीन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन से मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस समोसे को ट्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे पानी का बोतल भी आ गया है, पानी ले लेते हैं। भाई अभी फिलहाल हम लोगों ने ले लिया है ये 2 रेल लीर पानी का बोतल। ये अच्छी बात है कि इस ट्रेन में रेल लीर मिल रहा है। वैसे भाई सच बताए तो सेकेंड एसी में ना जर्नी करने में मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे जैसे लगता है कि चोर की तरह छुपे हुए हैं, पर्दा इधर लगा हुआ है उधर लगा हुआ है, मज़ा नहीं आता है कंटेंट बनाने में। थर्ड एसी सही है, स्लीपर थर्ड एसी में मज़ा आता है कंटेंट बनाने में। इसमें ऐसे लगता है कि चोर बने हुए हैं, छुप के वीडियो बना रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे चलिए ये अच्छी बात है कि रेलवे मिल रहा है स्पीड में। तो देखिए अभी क्या हुआ भाई के साथ, इनका ट्रेन था कुर्ला एक्सप्रेस, ठीक है, और दोनों ट्रेन शालीमार रेलवे स्टेशन से ही निकलती है। कुर्ला एक्सप्रेस लगी हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हम लोग की ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो वहाँ क्या हुआ कि मतलब ये गलती से इस ट्रेन में बोर्ड कर गए और ट्रेन इनकी छूट गई। वैसे कोई नहीं, खड़गपुर वो ट्रेन पीछे है कुर्ला एक्सप्रेस, वो खड़गपुर में आ रही है, तो खड़गपुर में ये बोर्ड कर जाएगी, गलती हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग भी जर्नी करिएगा तो देखिएगा भाई, ट्रेन का नाम नंबर चेक कीजिए, उसके बाद आप बोर्ड कीजिए ट्रेन। भाई लगभग 112 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट
खड़गपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है KGP और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन पहुँची है यहाँ 5 मिनट डिले। खड़गपुर जो है ये आता है वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे प्लेटफॉर्म 12 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 180 ट्रेन आकर रुकती है। वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है खड़गपुर में। अब बोलेगा भाई पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे हुगली, दूसरे पे गोरखपुर, तीसरे पे कोलम और चौथे पे खड़गपुर। और रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप भी ना खड़गपुर में ही है। हाँ एक जानकारी तो देना हम भूल ही गए, अगर आप जब भी खड़गपुर रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, इडली, वड़ा, डोसा वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा जो अब लेने से पहले थोड़ा देख लीजिए क्या हुआ है ना कि बहुत बार मेरे साथ इस स्टेशन पे स्कैम हो गया। बोला जाता है भाई इडली वड़ा है, जब खोलते हैं तो कुछ और निकलता है। बोला जाता है कि मछली चावल है, खोलते हैं तो इडली निकलता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ का खाना ना भाई फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है। हाँ स्टॉल जो लगा हुआ है वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो वेंडर लेके आते हैं ना बेचते हैं, अगर उससे आप लीजिएगा तो आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। मेरे साथ 3 बार हो चुका है। बज रहे हैं 6:50 और अभी जो है कुछ देर पहले भैया आए थे पेंट्री के स्टाफ मतलब, और डिनर का ऑर्डर लेने आए थे। तो डिनर में आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा पहला दिन वेज थाली, चिकन थाली और अंडा थाली। और तीनों थाली का जो प्राइस बताया गया है ना बिल्कुल एकदम IRCTC के रेट के हिसाब से बताया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 80 की वेज थाली, 90 की अंडा थाली और चिकन थाली 130। और ये जो रेट पे रेट मतलब अपने हिसाब से जो बता रहे हैं बिल्कुल IRCTC के रेट के हिसाब से उन्होंने जो रेट बताया भाई, ये सुनकर मुझे आश्चर्य लगा। आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्या है ना कि इस ट्रेन के 2-3 स्टाफ मुझे पहचानते थे, शायद ये मैसेज जो है ना चला गया होगा मैनेजर के पास, इस वजह से रेट टू रेट खाना दिया जा रहा है। वैसे हम लोगों ने वेज थाली का ऑर्डर किया है और ये वेज थाली जो है ये आएगा 9 बजे के आसपास। तो चलिए देखते हैं वेज थाली में क्या क्या मिलता है, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है इस ट्रेन के पेंट्री कोच के खाने का। तो भाई अभी फिलहाल हम लोगों ने लिया है ये कॉफ़ी। वैसे इस ट्रेन में आपको कॉफ़ी और चाय मिल जाएगा, लेकिन हाँ हम खोज रहे थे बाघ बकरी कैपिचिनो, तो वो अभी फिलहाल इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। भैया कह रहे हैं कि आज आया ही नहीं है, आपको यही पानी वाला चाय पीना पड़ेगा या कॉफ़ी। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसी है कॉफ़ी। ये 10 की है कॉफ़ी, 10 की चाय 10 की। भाई ये है मेरी वेज थाली, देखिए मुझे परोसा गया है ट्रे में, ठीक है। और 33 नंबर सीट है, अंकल का है और इनका है चिकन थाली। प्राइस अभी इनसे नहीं पूछा गया है, नहीं बताया गया है, देखते हैं कितना प्राइस बताया जाता है। वैसे अब देखिए मेरे लिए स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है और अंकल के लिए देखिए किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इनको भी ट्रे मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, आप जवाब दीजिए। वैसे रेट का पता चल ही जाएगा, हमको तो 80 में दे रहे हैं भैया, अब अंकल को कितने में देते हैं पता चल जाएगा। इस थाली को हम लोगों ने अनबॉक्स कर दिया है, तो भाई वेज थाली की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेज थाली में क्या क्या है। वैसे भाई ये जो वेज थाली है ना ये मतलब अदर पैसेंजर को दूसरे तरीके से सर्व किया जा रहा है, मुझे इस ट्रे में सर्व किया जा रहा है। तो मुझे तो भाई पहले ही शक था कि उन लोगों को पता चल गया है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ वेज थाली में क्या क्या मुझे दिया गया है। ये है दाल, और दाल भाई देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, थिकनेस भी इसका सही है। ये देखिए मिर्ची वगैरह इसमें डाला हुआ है, ये देखिए मिर्ची है, ये दो मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये आलू परवल की सब्जी है, और क्वांटिटी भी काफ़ी सही है भाई, बिल्कुल जैसे राजधानी में सर्व किया जाता है ना वैसे दिया गया है। ये देखिए बीन्स है, आलू बीन्स और पटल की सब्जी, साथ ही इसमें हम लोग को दिया गया है 2 पराठा और राइस। राइस जो है ना बिल्कुल गर्म है, साथ ही मीठा में दिया गया है सोन पापड़ी, और ये है नींबू का अचार है, ठीक है रुचि का।
जब भैया वेज थाली देने आए थे तो हमने उनसे पूछा भैया इसमें तो दही है ही नहीं, तो बोले कि दही के जगह पहला दिन जो है रात में इस ट्रेन में आपको मिलेगा सोन पापड़ी, और कल अगर आप लंच ऑर्डर कीजिएगा तो उसमें दही दिया जाएगा। बोले चलिए ठीक है, कुछ तो मिला मीठा में। वैसे चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं ये वेज थाली है कैसी। पराठा जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। राइस गर्म है भाई साहब, तो सबसे पहले हम लोग अभी ट्राई करेंगे दाल। भाई दाल सही है यार। अब हम लोग ट्राई करते हैं सब्जी, आलू बीन्स और पटल की सब्जी है। पटल मतलब परवल। सब्जी भी सही है और राइस तो गर्म है ही। चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं ये वेज थाली और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट कटक रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है CTC और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है 40 मिनट डिले, मतलब 40 मिनट डिले हम लोग पहुंचे हैं कटक। वैसे प्लेटफॉर्म यहां 5 है और अभी फिलहाल यहां रोजाना लगभग 150 ट्रेन आकर रुकती है। और कटक जो है ना ये उड़ीसा का कमर्शियल कैपिटल कहते हैं कटक को, और यहां पे नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मस्थल भी कटक ही है। वैसे अभी जो हम लोगों ने डिनर ट्राई किया पैंट्री से अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए क्वालिटी सही था, सब्जी मुझे बढ़िया लगा, सब्जी हो दाल हो राइस भी गर्म था, लेकिन पराठा हल्की ठंडी थी और सोन पापड़ी जो था ना उसे मुझे दम नहीं लगा, मुझे फ्रेश नहीं लगा। सोन पापड़ी फ्रेश रहता तो मतलब थोड़ा हार्ड था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोन पापड़ी फ्रेश नहीं था। दूसरी बात ये कि मुझे जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, मतलब ट्रे में मुझे दिया जा रहा है, को पैसेंजर को नॉर्मल जैसे सर्व किया जाता है वैसे सर्व किया जा रहा है, उन्हें कितने में थाली दी जा रही है इनका तो अभी तक पता नहीं चला है। मतलब चिकन थाली उन्होंने लिया था, अब शायद वो लेने आएंगे पैसा, तब पता चलेगा कि उनको कितने में थाली दी जा रही है, हमको कितने में थाली दी जा रही है। वैसे हमको जो दी जा रही है वेज थाली वो 80 की है, आपने सुना ही भैया जब ऑर्डर लेने आए थे। बिल वगैरह लेंगे तब पेमेंट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबका मतलब ब्रेकफास्ट हो आज का डिनर हो कल का लंच हो सारा इंक्लूड करके शायद कल मुझे बिल मिले। देखते हैं जो भी होगा फिर आपको अपडेट किया जाएगा। वैसे इस ट्रेन का खाना सही है, आप ट्राई कर के सभी पैसेंजर सो चुके हैं, अब देखिए लाइट वगैरह बंद हो चुका है, बस अगला स्टेशन कवर करना है उसके बाद हम भी सो जाएंगे। लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KUR और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है 45 मिनट डिले। खुर्दा रोड जो है ये आता है उड़ीसा में, प्लेटफॉर्म यहां 7 है और अभी फिलहाल यहां रोजाना लगभग 217 ट्रेन आकर रुकती है। यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है खुर्दा रोड में क्योंकि यहां पे अपने ट्रेन के लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट साथ ही ट्रेन के गार्ड चेंज होंगे। ट्रेन गार्ड का मतलब आप तो नाम चेंज कर दिएगा, ट्रेन मैनेजर कर दिया गया, फिर भी बहुत लोग अभी भी ट्रेन गार्ड कहते हैं। तो ट्रेन मैनेजर यहाँ पे चेंज होंगे, लोको पायलट चेंज होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट चेंज होंगे। तो अभी जो हम लोगों ने डिनर ट्राई किया था तो उसका जो है ना बिल वगैरह लेके पेंट्री के स्टाफ अभी नहीं आए हैं, वो पहले ही पूछ लिए थे कि आप पूरी जर्नी कर रहे हैं, तो हम बोल दिए कि हाँ चेन्नई तक जा रहे हैं, इस वजह से वो अभी लेके नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो है ना खाने पीने का हिसाब एक ही बार किया जाएगा। वैसे खुर्दा रोड के बाद हम लोग सो जाएंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे सुबह में।
The next morning. गाइस, तो लगभग 880 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है VSKP। और यहां पर इस ट्रेन का 20 मिनट्स का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंचे लगभग 1 घंटा 45 मिनट डिले। वैसे विशाखापट्टनम में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था भाई साहब सुबह के 4:30 विशाखापट्टनम कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुँचती है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 6:15। वैसे विशाखापट्टनम में 8 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 175 ट्रेन आकर रुकती है। और विशाखापट्टनम जो है ये आता है आंध्र प्रदेश में, और ये जो है ना आंध्र प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं विशाखापट्टनम को, और आंध्र प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और यहाँ पर इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होगा लोकोमोटिव रिवर्स, साथ ही ट्रेन की लोको पायलट भी चेंज होंगे, ट्रेन के गार्ड मतलब ट्रेन मैनेजर भी यहाँ पर चेंज होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोको रिवर्सल। हमको लगा भाई यहाँ पे लोकोमोटिव को सिर्फ रिवर्स किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन नहीं, जब हम लोग की ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकी होगी मुश्किल से, उससे पहले लोकोमोटिव यहाँ तैयार था और लोकोमोटिव को चेंज करके रिवर्स साइड में लगाया गया है अरक्कोनम का WAP-4 लोकोमोटिव। यहाँ से चेन्नई सेंट्रल तक की जो जर्नी है इसी लोकोमोटिव के साथ होने वाली है। कॉफी जो है ये सही है। तो 20 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से, और सामने में जो आप देख रहे हैं रेक वो है AP एक्सप्रेस का रेक विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली। क्या होगा ब्रेकफास्ट में? एग ऑमलेट। हाँ, तीनों चीज दीजिए। एक एक तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:10, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। और इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में पेंट्री से मिलेगा ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड बटर ऑमलेट, साथ ही ये मिलेगा आपको उपमा, ये आपको पड़ेगा 30 का, और इडली वड़ा ये आपको पड़ेगा 40 का, साथ में ये सांभर दिया जाता है, और ब्रेड बटर ऑमलेट ये आपको पड़ेगा 50 का। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं उपमा। वैसे उपमा जो है ये गरम है और उपमा में बीन्स वगैरह डाला गया है। उपमा सही है भाई। साउथ में अगर आप ट्रेवल कीजिएगा तो ये तो कॉमन है इडली वड़ा। वड़ा भी काफी सॉफ्ट है, सही है। इडली ट्राई करते हैं, इडली भी सही है भाई। और उपमा इडली वड़ा जो है बिल्कुल गर्म है, ये पेंट्री में ही बना है। अब ब्रेड बटर ऑमलेट ट्राई करते हैं। कॉफी चाय, इसमें बटर लगा हुआ है और ऑमलेट जो है ऑमलेट भी गर्म है। देखते हैं कैसा है भाई। सही है।
41 कर दीजिए ना। हाँ ये अंडा थाली इस कोच में, इस कोच में 41। हाँ, कल वेज था ना, आज अंडा कर दीजिए। अंडा कितना 90 है ना। हाँ तो आज दही दीजिएगा ना। हाँ चलिए ठीक बैठिए। सो गाइस, तो लगभग 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट राजमुंद्री रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RJY। और यहां पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंच गए 2 घंटा 50 मिनट डिले। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये आंध्र प्रदेश में आता है। और अभी जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ट्राई किया इस ट्रेन में, वो ब्रेकफास्ट बोर्ड किया गया था विशाखापट्टनम में, बोर्ड किया गया था, पेंट्री में नहीं बना था। लेकिन भाई ब्रेकफास्ट का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया था, चाहे वो ब्रेड ऑमलेट हो, चाहे वो इडली वड़ा हो, चाहे वो उपमा हो, क्वालिटी एक नंबर था ब्रेकफास्ट का। पैसा वैसा भी नहीं दिए हैं, शायद एक बार बिल आएगा फिर उसके बाद पे करेंगे। और यहाँ पे आपको बिरयानी वगैरह आपको मिल जाएगा, प्योर नॉर्थ इंडियन फूड, नूडल्स, मंचूरियन, छोले भटूरे, ये सब आपको मिल जाएगा। लगभग 1230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA। और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 3 घंटा डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है 12 स्लीपर क्लास, 3 जनरल क्लास, 3 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC, 1 फर्स्ट AC
और एक पेंट्री कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस फेयर में जर्नी कीजिएगा शालीमार से चेन्नई सेंट्रल इन टू इंडिया, अगर जर्नी कीजिएगा स्लीपर क्लास में तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 700 रुपीज़। अगर आप सेकंड एसी में जर्नी कीजिएगा जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2600-2500 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी कीजिएगा उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1800-2500 रुपीज़। और हाँ, फूड इस प्राइस में, टिकट प्राइस में इंक्लूड नहीं है, पेंट्री कोच है तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, रेट आपको अच्छे तरीके से पता है। खाने से याद आया कि राजमुंद्री रेलवे स्टेशन के बाद खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है, तो हमने रात में डिनर में ट्राई किए थे वेज थाली, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अंडा थाली जिसका प्राइस है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे अपने एक फैमिली मेम्बर मिले, वीडियो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। और इनके साथ है कोबी, कोबी नाम है ना? हाँ। कहाँ तक जा रहे हैं? चेन्नई डॉक्टर। और वो भी हम लोग का ही है। अच्छा अच्छा, उसका क्या नाम है? थंडर। थंडर, ये है थंडर और ये है कोबी। डॉग शो में जा रहे हैं आप लोग? चेन्नई में। कितने महीने का ये? ये 3 साल का। 3 साल का कोबी। ये कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा कोबी। ठंडर, वो है ठंडर। सही है। डॉग शो में जा रहे हैं ना? कितना प्यारा लग रहा है। 3 साल का है, देखिए गाइस। सही है। बज के 37 मिनट और अभी तक मेरा लंच नहीं आया है। मेरे को पैसेंजर का लंच आ चुका है। इन्होंने ऑर्डर किया था चिकन थाली, तो देखिए चिकन थाली में इसमें दिया गया है, ये एक चिकन पीस है, लेग पीस है ये, और ये आलू और ये सोयाबीन की सब्जी मुझे लग रही है, दाल है, राइस है, और एक्स्ट्रा ये राइस दिया गया रोटी के बदले। अब हम तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, पूछेंगे इनसे कि कैसा लगता है चिकन ट्राई करती है उनके बाद। क्या राइस सही है? चावल सही है? चिकन देखिए तो खा के कैसा लग रहा टेस्ट में। भालू सही लग रहा है। बंगाली में अच्छे लगने को क्या कहते हैं? भालू ना, भालू, भालू लागवे। चलिए ठीक है। सोयाबीन की सब्जी ट्राई की है, ये सही है? ये दाल देखिए तो दाल, चलिए मतलब इन्होंने चिकन थाली लिया था, वैसे ये थाली का प्राइस है 130, लेकिन भैया अभी प्राइस नहीं बताए हैं, अब देखते हैं इनसे कितना लिया जाता है। तो भाई फाइनली अब मुझे जाकर लंच मिला है, और सबसे लास्ट में दिया गया है, कोच के सभी पैसेंजर को दे दिया गया था, और अभी जो है ना मेरा लंच ट्रे में आया, डिनर भी ट्रे में आया था और लंच भी ट्रे में आया, मतलब मुझे दूसरे पैसेंजर से अलग ट्रीट किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप सर्विस, मेरे लिए स्पेशल सर्विस की क्या ज़रूरत है, अगर मुझे जैसा सर्विस दे रहे हैं वैसा सर्विस सभी को दे तो ये अच्छी बात होगी। मैनेजर साहब शायद वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, इस वजह से जब से ट्रेन में बोर्ड किए हैं तब से मुझे स्पेशल सर्विस दिया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सर्विस सभी पैसेंजर को मिले, सभी को इसी तरह सर्व किया जाए, सभी को स्वीट्स दिया जाए, सभी को दही मिला जाए, खाना में दही दिया जाए, साथ ही मतलब जो रेट है RCTC का रेट है उस हिसाब से थाली दिया जाए। तो ये है 90 की थाली, अंडा थाली देखिए, जिसमें 2 राइस है दिया गया। अब क्या है कि दोपहर में आपको रोटी नहीं मिलेगा, राइस ही मिलेगा, इसलिए 2 राइस दे दिया गया है। ये दाल है, 2 अंडा है और इसमें दही है, साथ ही मिक्स्ड पिकल है, और दही जो है ना ये ओपन दही दिया गया है, ये ऐसा दही है, जबकि ये जो है ना अलाउ नहीं है, पैक्ड दही देना होता है। इसमें क्या होता है कि मिलावट वगैरह भी होता है इस वजह से। वैसे डिनर में आपको रोटी मिल जाएगा, लेकिन अभी लंच में क्या है, मतलब दूसरा दिन लंच में आपको रोटी नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको एक्स्ट्रा राइस मिलेगा। तो चलिए अंडा थाली हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं अंडा थाली कैसा है। सबसे पहले हम लोग अंडा का तो टेस्ट आपको पता है ही,
ये जो अंडा है ना फ्राई नहीं किया गया है, नॉर्मल अंडा दिया गया है। ग्रेवी देखते हैं सर कैसा है। अंडा तो भाई ग्रेवी इसका सही लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी है। अब साउथ में ट्रेवल कीजिएगा तो स्पाइसी खाना तो खाना ही पड़ेगा। दाल देखते हैं दाल कैसा है। दाल भी सही है भाई, देखने में तो सही लग रहा है। रात में जो दाल दिया गया था ना उससे बेहतर है अभी का दाल लंच में जो दिया गया है। ये दही है जो कि ओपन दिया गया है और राइस ठंडी हो चुकी है। राइस जो है वो बना है अंदर में, राइस दाल अंडा करी ये सब पेंट्री में बना है। तो चलिए फटाफट हम लोग ये 90 की अंडा थाली ट्राई करते हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अभी जो है हम लोग की ट्रेन लगभग 2 घंटा 40 मिनट डिले है। अभी तक हम लोग चेन्नई में रहते हैं लेकिन ट्रेन काफ़ी डिले हो गई। वैसे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, कल डिनर किया था और आज जो हम लोगों ने लंच किया है तो सारा चीज़ का मतलब हिसाब आ चुका है, मतलब बिल। अभी भैया आए थे तो बिल वो लेकर ही आए थे। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं इस वजह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बिल लेके ही आए थे। और बिल में प्रॉपर जो जो हमने लिया है प्रॉपर रेट पे प्रिंट किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी आज दूसरा दिन है तो दूसरा दिन शाम में स्नैक्स में आपको मिल जाएगा, चाउमिन मिल जाएगा, वो आपको पड़ेगा 40 का। ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये पेंट्री का बिल है। हमने लिया था ये 1 करी, आप देख सकते हैं, वेज मील 80 का, 1 करी 90 का, ब्रेकफास्ट नॉन वेज मतलब रेड ऑमलेट का 50 रुपीज़, इडली वड़ा 40 का और उपमा का 30 होगा, लेकिन इडली वड़ा को ये दो बार ऐड किए हैं इस वजह से 80 हो गया है। तो 40, 30, 70 टोटल है। टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो 290 होगा, लेकिन 300 का बिल था तो उन्होंने 290 लिया, क्योंकि उपमा का ना वो प्रिंट नहीं हो रहा था इस वजह से दो बार इडली वड़ा उन्होंने प्रिंट कर दिया था। भाई हमने तो अपने खाने का पेमेंट कर दिया और बिल्कुल IRCTC के रेट के हिसाब से पेमेंट किया, लेकिन बगल में क्या कि सेकेंड एसी में जर्नी कर रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है तो बगल में चुपचाप मतलब अपने मतलब मनमाना प्राइस लिया गया। अंडा थाली हमें 90 में दी गई और बगल में ही वो पैसेंजर हैं उनको 130 में दी गई। आपने चिकन थाली मंगाया था ना, आपसे 150 मांग रहे थे वो, 150 मांग, हम बोले तो 130 दिए। बताइए मतलब सिर्फ मेरे लिए स्पेशल, आपको आप अंडा थाली मंगाए थे ना, अंडा थाली आपने मंगवाया था ना, वो कितना लिया, 130 रुपया लिया, बिल नहीं दिया ना, बिल नहीं दिया। और आपका जो मछली थाली आया 150 लिया, 150 मछली थाली, वो भी बिल नहीं दिया। अच्छा अच्छा तो भाई आपने देखा कैसे पर्दा के पीछे खेला हो गया। वही अगर हम थर्ड एसी में जर्नी करते ना तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो है ना वो चार्ज नहीं किया जाता, मतलब 90 की अंडा थाली 130 में बेची जा रही थी। अब क्या है कि सेकेंड एसी में पर्दा लगा रहता है तो थोड़ा सा प्राइवेसी रहता है, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि भाई साहब को पैसेंजर से कितना पैसा वो चार्ज कर रहे हैं। वैसे रेट के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि कितने की थाली मिलती है, तो जब भी आप जर्नी करें ध्यान रखें। अब क्या है ना, इसलिए मुझे सेकेंड एसी पसंद नहीं, अगर हम थर्ड एसी में जर्नी करते तो बगल वाले पैसेंजर को हम देख सकते थे कि वो कितना रुपया पे कर रहे हैं, उस वक्त हम मना कर सकते थे। मेरा कोशिश रहता है कि जहाँ भी हम जर्नी करें अगल बगल के पैसेंजर को सही रेट पर खाना मिले, उनको सही जानकारी दें, लेकिन अब जिन्हें नहीं पता रहता है तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं। वैसे ध्यान रखें जब भी आप जर्नी करें, ट्रेन जर्नी करें, तो खाना जब भी लें पेंट्री का तो बिल ज़रूर लें। आई डोंट लाइक सेकेंड एसी कोच इसी वजह से। चलिए अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा एक मिरर, ऊपर लाइट लगा हुआ है, वाटर डिस्पेंसर, पानी पूरी जर्नी आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जर्नी इस ट्रेन में पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, पानी अवेलेबल मिलेगा। डस्टबिन नहीं है, इसके लिए यहाँ पे जो है ये पॉलीथीन लगाया गया है, इसमें आप कचरा वगैरह इसमें आप डाल सकते हैं।
वैसे मैं चले मैं अंदर का कंडीशन आपको दिखाता हूँ। लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, मिरर की साफ सफाई आपके सामने है। ये बेसिन, बेसिन देख लीजिए कितना साफ है। पानी पूरी जर्नी आया है, इसमें लिक्विड सोप है, नीचे डस्टबिन है, यहाँ फिटकरी दिया हुआ है ताकि बदबू ना दे वॉशरूम। और यहाँ पे एक टॉवल होल्डर है, लाइट दिया गया है। पुरानी ICF कोच है लेकिन फिर भी वॉशरूम को काफी हद तक मेंटेन किया गया है। अभी तक की जर्नी में वॉशरूम का कंडीशन अगर बात करें तो एवरेज है कंडीशन, कोई वैसा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, टॉयलेट पेपर होना चाहिए था सेकेंड AC कोच के वॉशरूम में, लेकिन टॉयलेट पेपर नहीं है, मिसिंग है। थर्ड AC में अगर जर्नी करते टॉयलेट पेपर नहीं रहता तो चलिए इग्नोर कर देते, लेकिन इसमें तो रहना चाहिए था, लेकिन इसमें भी नहीं है। थर्ड AC में 1825 रुपया पे कर रहा होता है स्पीड में, सेकेंड AC में 2625 रुपया, मतलब लगभग 800 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो थोड़ा सा तो भाई सर्विस को बढ़ा सकते थे, टॉयलेट पर कम से कम इसमें तो रख सकते थे, लेकिन ना कोई नहीं। वैसे भाई स्लीपर क्लास का हाल इस ट्रेन का तो काफ़ी बुरा है भाई, एक सीट पर चार चार लोग जर्नी कर रहे हैं। वॉशरूम का कंडीशन स्लीपर क्लास का इतना गंदा है कि कुछ नहीं। कुछ लोग जो है अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, लगभग 4 साल से आप सभी के लिए कंटेंट बना रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ रेल ही पानी लेना है या कोई और भी पानी अगर मिलता है प्लेटफॉर्म पे रेलवे अप्रूव तो वो लेना है, उसका प्राइस 15 रुपया है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जान के 20 रुपया पे कर दे रहे हैं, बोले कि भाई 5 रुपये चला जाएगा एक्स्ट्रा तो क्या होगा। भाई मैसेज गलत लोगों के पास जा रहा है, मैसेज आप कितने लोगों को दे रहे हैं ये आपको पता है, आपकी वीडियोस कितने लोग देखते हैं ये आपको पता है, तो फिर क्यों ऐसा मैसेज क्यों देना। अगर आपको देना ही तो बिहाइंड कैमरा जो देना आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा पे दिखा के अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है। हम देख रहे हैं इन दिनों में तो कुछ क्रिएटर हैं जो मतलब 80 की वेज था 120 में 150 में लेते हैं, लोगों को गलत मैसेज जाता है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है ना रेट के बारे में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत पर पानी ना फेरे। बहुत मेहनत करके काफ़ी ऑडियंस को हमने बताया है, बताने की कोशिश की है कि भाई वेज थाली 80 की होती है, बीच में आप 120 की थाली ले लीजिएगा तो कन्फ्यूज़न होगा ना, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप खाना लीजिए खाइए, रेट के बारे में बात मत कीजिए। रेट के बारे में अगर गलत बात कीजिएगा हमें काफ़ी ख़राब लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहां तक भाई जो भी क्रिएटर है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे क्या होगा कन्फ्यूज़न होगा, ऑडियंस मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएगी, 80 की थाली की 120 की थाली की 150 की थाली, कन्फ्यूज नहीं करना है ऑडियंस को। ठीक है ठीक है, आपको नहीं पता आप खाना लीजिए खाइए, टेस्ट के बारे में सिर्फ बात कीजिए, रेट के बारे में बात नहीं कीजिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है लगभग 2 घंटा 30 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहता है किस चीज़ पे, वो खाने पे। तो जब भी आप खाना ले ट्रेन में, किसी भी ट्रेन में ले, पेंट्री से ले, तो सबसे पहले तो आप बिल का डिमांड करें। वेज थाली का प्राइस आपको पता है 80, अंडा थाली 90, चिकन थाली 130, इससे ज़्यादा 1 भी रुपये आपको पे नहीं करना है। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच है तो खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और पेंट्री का खाना जो है ना वो खाने लायक है, आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी डिनर ट्राई किए, लंच ट्राई किए, ब्रेकफास्ट किए, सब बढ़िया था, आप ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा प्राइस का इशू है। अब क्या हुआ पता है, सेकेंड AC में जर्नी कर रहे थे, सेकेंड AC में क्या होता है कि पर्दा लगा रहता है, और पर्दा के पीछे क्या चल रहा था वो मुझे पता चला ही नहीं। बताइए मेरे को पैसेंजर से 90 की थाली अंडा थाली 130 में लिए, उनसे पैसा ले लिया गया, मुझे बाद में पता चला। और अब क्या कि जिनको नहीं पता है वो दे देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जहां हम जर्नी करते हैं उसके अगल बगल, कम से कम अगल बगल के पैसेंजर को कम से ये मैसेज दे कि बिल ले और कितनी की थाली होती है। लेकिन अब क्या करें, थर्ड AC में तो जर्नी करने रहते, सेकेंड AC में टिकट मिला था इस वजह से इसमें जर्नी करना पड़ा। वैसे जब भी जर्नी करें ध्यान रखें बिल जरूर ले। वॉशरूम का कंडीशन जो था वो एवरेज था, पानी पूरी जर्नी आया है। और हाँ एक और बात, रेल नीर बेचा जा रहा है इस ट्रेन में, स्लीपर क्लास का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सेकेंड AC में जर्नी कर रहा था तो पूरी जर्नी रेल नीर मिला है, खाना में क्वालिटी भी था,
हमें तो सही रेट पे खाना भी मिला, बिल भी मिला। अब क्या है कि हम तो सिर्फ वीडियो के थ्रू मैसेज ही दे सकते हैं, लोगों को बता ही सकते हैं, अब सबके लिए लड़ तो नहीं सकते हैं ना। आप लोग सही बता सकते हैं कि भाई बिल लेना है, कितने का थाली है नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिए जब भी आप जर्नी करिए, तो बिल वगैरह प्रॉपर लीजिए। तो चलिए आज की जर्नी को ये रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।